मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल इजी जी के ट्विक्वी डेस्क के क्लासेस में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ये पद ब्रिटेन से लिया गया है। जो महान न्यायवादी होता है वो भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर दूसरे विधि अधिकारी की बात करें तो वो सॉलिसिटर जनरल होता है, और तीसरे विधि अधिकारी की बात करें तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। ये भारत का विधि सलाहकार होता है। अभी आर्टिकल 76 के सब क्लॉज 2 में इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, इसके बारे में बताया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 76 के सब क्लॉज 3 की, जिसमें इसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। ये अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, देखिए एडवोकेट जनरल हर एक स्टेट में होता है, तो ये जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों ही एकदम सेम डिट्टो योग्यताएँ, क्वालिफिकेशन, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ सेम होती है। बस ये है कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत का विधि अधिकारी होता है, वहीं एडवोकेट जनरल जो होता है वो हर एक स्टेट का विधि अधिकारी होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली बात तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय की क्या क्या योग्यताएं होती हैं। पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति की नज़र में वो एक विधिवेत्ता होना चाहिए, मतलब विधि का उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या तो उच्च न्यायालय का 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या तो वो 10 साल तक किसी भी न्यायालय में एडवोकेट रहा हो। महान न्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी मामलों की सुनवाई कर सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। यद्यपि संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अपना पक्ष रखता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो वोट नहीं दे सकता। देखिए, वो चाहे तो लोकसभा में बैठ सकता है जब सत्र चल रहा हो, राज्यसभा में भी बैठ सकता है जब उसका सत्र चल रहा हो, लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो ये वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं वोट दे सकता? क्योंकि ये उसका सदस्य नहीं है, ये सांसद नहीं है, ये खाली एक विधि अधिकारी है। तो वो चेक कर सकता है, देख सकता है कि कैसे काम हुआ। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस करता है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ता है एज अ एडवोकेट। ये दोस्तों हाई कोर्ट में बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ सकता है, इसके पास इतनी पावर होती है। अब इसकी कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कार्यकाल तो जैसा प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको नियुक्त करता है तो इसका कार्यकाल भी वही डिसाइड करता है, लेकिन फिलहाल अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 3 साल का होता है। वहीं सेम सॉलिसिटर जनरल की भी यही सारी रिक्वायरमेंट होती है, और एडिशनल सॉलिसिटर की भी यही रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये सॉलिसिटर और एडिशनल सॉलिसिटर इसकी हेल्प करने के लिए भारत में रखे जाते हैं। तो ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं पहला अटॉर्नी जनरल भारत का कौन था। तो भारत का पहला अटॉर्नी जनरल जो था वो था MC सेतलवाद। वहीं प्रेजेंट की बात करते हैं तो KK वेणुगोपाल हैं, जो कि अभी इसी साल रिटायर होने वाले, 3 साल इनका कंप्लीट होने वाला, ये रिटायर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं तो ये थे CK दपाथरी। और अगर प्रेजेंट की बात करते हैं कौन है सॉलिसिटर जनरल, तो वो है तुषार मेहता। और देखिए दोस्तों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में इसलिए हमने नहीं बताया क्योंकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 4 होते हैं, और ये जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, कहीं पे भी नहीं किया गया है, यानी ये नॉन संवैधानिक सदस्य होते हैं। इनकी अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए इनको रखा जाता है। तो ये तो था कुछ अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।